सद्गुरु कबीर ने बीजक में एक साखी कही है, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुरनर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। यह मन चंचल है, चोर है, शुद्ध पूरा का पूरा ठग है। मन को पकड़ो, मन को बस में करो, मन को संयम में करो, ऐसा कहते कहते सूर नर मुनि सब मन के चक्कर में ही पड़ गए। कोई मन को पकड़ कर रख ना सका, क्योंकि मन को भागने के लिए लाखों दरवाजे हैं। मन चंचल है, इसका अनुभव किस मनुष्य को नहीं है, किस व्यक्ति को नहीं है। हर आदमी के पास मन है और हर आदमी का अपना अनुभव है कि मन चंचल है। और यह मन की चंचलता ही दुख का कारण है, मन की चंचलता ही बंधन का कारण है, मन की चंचलता भटकाव का कारण है। पहले प्रश्न यह है कि मन चंचल क्यों है। आदमी मनुष्य मन के कारण ही मनुष्य है। मननात मनुष्य कहा गया है, मनन करने के कारण इस प्राणी में मन का विकास होने के कारण इसको मनुष्य कहा जाता है। पशु पक्षी और मनुष्य इनमें खास अंतर क्या है? पशु पक्षियों में मन और वाणी का विकास नहीं है, मनुष्य में मन और वाणी का विकास है। मन और वाणी ही मनुष्य को मानवेतर प्राणियों से अलग करने वाली दो खास शक्तियां हैं। यदि मनुष्य के पास मन और वाणी की शक्ति न होती तो मनुष्य में और जानवरों में कोई खास अंतर न होता। लेकिन ये जो दो प्रमुख शक्तियां हैं मन और वाणी की, जो आदमी को मानवेतर प्राणियों से अलग करती हैं, इन पर संयम न होने के कारण यही दोनों शक्तियां आदमी के भटकाव का, दुख का, पीड़ा का कारण बन गई हैं। जिसने अपने मन और वाणी पर संयम कर लिया उसके भटकने का कारण बंद हो गया, दुख पीड़ा कला का कारण बंद हो गया।
मन चंचल होने से वाणी चंचल होती है, इंद्रियां चंचल होती है, जीवन की हर क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है। और वाणी और इंद्रियां चंचल होने से मन चंचल होता है। मन चंचल इसलिए है खास कि हम इससे काम लेना जानते नहीं हैं। जो शक्ति जितनी ज़्यादा तेज और प्रबल होती है, उस शक्ति के उपयोग करने के लिए उतनी अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। चीज या शक्ति तो वही होती है, उसका दुरुपयोग बंधन का कारण बनता है, सदुपयोग कल्याण का, सुख का, शांति का कारण बनता है। इसलिए भी कहा गया है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। एक ही मन बंधन और मोक्ष दोनों का कारण कैसे होगा? प्रयोग अलग अलग होने के कारण। जैसे ताला को खोलने के लिए और बंद करने के लिए अलग अलग चाबी नहीं होती है, एक ही चाबी होती है। ताला को खोलने की चाबी अलग होती है और बंद करने की चाबी अलग होती है, ऐसा थोड़े है। वही चाबी है, उसी से ताला खुलता है और उसी से ताला बंद होता है। बाएं से दाएं घुमा दो चाबी को तो ताला खुल जाता है, और दाएं से बाएं घुमा दो तो ताला बंद हो जाता है। चाबी एक ही है। बस मन भी ऐसे एक ही है, बस घुमाते हम किधर हैं, मन को लगाते कहाँ पर है। हमारे पूरे जीवन की चाबी हमारा मन। मन बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा लोग ये उदाहरण भी देते हैं, सुना होगा आप लोगों ने कई बार, बातों समझाने के लिए उदाहरण हुआ करते हैं कुछ अंशों में। आदमी जितना बड़ा प्लाट खरीदता है उतना बड़ा मकान नहीं बनाता। प्लाट का कुछ हिस्सा शेष रह जाता है आंगन के लिए, पिछवाड़े आदि के लिए, पूरे के पूरे एकदम घेर कर मकान नहीं बनाता। तो आदमी जितना बड़ा प्लाट खरीदता है उतना बड़ा मकान नहीं बनाता। जितना बड़ा मकान बनाता है उतना बड़ा फाटक नहीं लगाता। मकान के हिसाब से तो फाटक बहुत छोटा होता है ना। तो जितना बड़ा मकान बनाता है उतना बड़ा फाटक नहीं बनाता, फाटक नहीं लगाता है। और जितना बड़ा फाटक लगाता है उतना बड़ा बड़ा कुंडी नहीं लगाता। कुंडी तो और छोटी होती छिटकनी। तो जितना बड़ा मकान उतनी बड़ी कुंडी छिटकनी नहीं, और जितनी बड़ी छिटकनी या कुंडी उतना बड़ा ताला नहीं लगाता, और जितना बड़ा ताला उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है। तो बड़े से मकान को खोलने की चाबी बहुत थोड़ी होती है। ऐसे ही यह 3.5 हाथ के का जो ताला शरीर है, ये खोलने की चाबी जो मन है बहुत छोटा है, लेकिन वही महत्वपूर्ण है। लगाते हम कहाँ हैं, कैसे?
मैंने बात यह उठाई थी कि मन चंचल क्यों, क्या मन की चंचलता सचमुच में दुख का कारण है? पहली बात हमें यह समझना होगा कि मन चंचल है, शक्तिवान है, इसीलिए हम मनुष्य हैं। मन चंचल ना होता तो हम भी जानवर जैसे होते, फिर हमें और जानवर में अंतर नहीं होता। जैसे घोड़ा तेज होता है, किसी आदमी को कहो कि तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे या गधे की सवारी करना चाहोगे, तो कोई आदमी यह नहीं कहेगा कि मैं गधे की सवारी करना चाहूंगा, वो कहेगा कि मैं घोड़े पर सवारी करना चाहूंगा। घोड़ा तेज होता है, घोड़े की सवारी शान की सवारी होती है, लेकिन आपने घोड़ा को साधा नहीं, सिखाया नहीं और घोड़े पर लगाम लगाया नहीं। घोड़े पर बिना लगाम लगाए, घोड़े को बिना साधे सिखाए आप कूद करके घोड़े पर बैठ गए तो क्या होगा? घोड़ा पटक देगा आपको, हाथ पे टूट जाएगा। घोड़े पर सवारी करने के पहले घोड़े को साधना होगा, सिखाना होगा, लगाम लगाना होगा और तब घोड़े पर लगाम लगा करके साध करके आप बैठें, घोड़े की सवारी आपको को आनंद देगी और घोड़ा आपको जल्दी ही आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ऐसे ही मन तेज घोड़ा है, इसको हमने साधा नहीं, इसको हमने सिखाया नहीं, इस पर संयम का लगाम लगाया नहीं और कूद करके बैठ गए मन पर तो पटक रहा है बार बार। दोष मन का नहीं है, दोष हमारा है। बिना साधे इस मन से हम काम लेना चाहते हैं और इसीलिए यह मन हमें बार बार परेशान करता है और हम शिकायत करते हैं कि क्या कहता है, मन तो रुकता नहीं है, मन मानता नहीं, मन तो बहुत भागता है और मन परेशान करता है, चंचल है। इसमें गलती हमारी अपनी है। एक दिन भी बात भी आई थी कि मन चंचल है तो मन की चंचलता क्या है? मन की चंचलता एक साथ अनेक काम करना, और ये मैंने कहा था कि जिस समय जो नहीं सोचना चाहिए, जिस समय जिसकी आवश्यकता नहीं है वह सोचना, यही मन की चंचलता का कारण है। जिस समय जिसकी आवश्यकता है बस वही सोचिए, चंचलता समाप्त। अनावश्यक बातों को सोचते चले जा रहे हैं, निरर्थक बातों को सोचते चले जा रहे हैं, यही तो चंचलता है। एक समय में मन से एक काम लें, एक ही बात सोचें, जिस समय जिसकी आवश्यकता है वही सोचें। चंचल क्यों बनेगा मन? लेकिन हम ऐसा कहाँ करते हैं? जिसकी आवश्यकता नहीं है वह ज्यादा सोचते हैं और जिसकी आवश्यकता है वह कम सोचते हैं। और इतना ही नहीं है, निरर्थक, अनर्थक, बिना मतलब की बातें हमारा मन ज्यादा सोचता है।
कहना चाहिए जितना हम सोचते हैं उतने में से 97-98% हमारा सोचना अनावश्यक और गलत होता है। प्रयोग करके आप देखना चाहें तो कभी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। अकेले में बैठ जाएं, कागज कलम ले लें और जो जो मन में विचार आते चले जाएं, उन विचारों को ईमानदारी पूर्वक लिखते चले जाएं। एक घंटा तक यह काम आप करें तो एक घंटे में आपके मन में जितने विचार आए और आपने ईमानदारी पूर्वक उनको लिख लिया है, फिर थोड़ी देर बाद, घंटा दो घंटे के बाद आप उस कागज को पढ़ें तो स्वयं आपको लगेगा कि यह न सोता तो भी काम चलता, यह सोता न सोता तो भी काम चलता, यह सोचना मेरा बेकार का था, आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। और इतना ही नहीं है, एक घंटे में मन पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। एक घंटे में अकेले में मन जो सोच लिया है, जिसे आपने लिख लिया है, उस कागज को दूसरे के दिखाने की हिम्मत भी नहीं होगी। कोई सुरवीर ही होगा कि एक घंटे में मन में जितने विचार आए, जिनको लिख लिया गया है, उस कागज को दूसरे को दिखाने की हिम्मत रखे। पता नहीं क्या क्या खुराफात की बात मन में आ जाएगी। क्यों? हमारी असावधानी, हमारी लापरवाही, और मन को हमने गलत अभ्यास दिया, गलत काम दिया, इसका परिणाम। सही काम ले मन से, सही बात सोचें, सही चिंतन करें, क्यों भागेगा मन, क्यों गलत सोचेगा? और जब तक ये शरीर है और जब तक हमारा जीवन है, इस जीवन में जब तक हम जागते रहते हैं, तब तक हमारा मन बिना सोचे रहेगा नहीं। इस बात को भी आपको समझ लेना होगा। गाढ़ी नींद में जा करके ही मन सोचना बंद करता है। या तो आप ध्यान में बैठे, अब पूरा ध्यान लग गया आपका, तो वहां पर मन ने सोचना बंद किया, या गाढ़ी नींद में आपका मन सोचना बंद करेगा। और जब तक जाग रहे हैं तब तक आपका मन कभी सोचना बंद नहीं करेगा। अब क्या सोचना है यह आप पर निर्भर करता है। मन की स्वस्थता नहीं है। मन तो आपका नौकर है, मन तो ये जीव का नौकर है, मन को हमने ही बनाकर रखा है। लेकिन हमारा ही नौकर हमारा मालिक बन गया है। जैसे कोई सेठ हो, अपने व्यापार को संभालने के लिए, लिखा पढ़ी सुविधा के लिए कोई एक मुनिम रख ले, मुनिम का काम क्या है, लिखा पढ़ी करना, हिसाब किताब रखना। अब बड़ी तत्परता से मुनिम काम करता है, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है, हर बात को समझता है, हर बात को जानता है और हर काम संभालता है। मुनिम के इस काम से सेठ जी खुश हो गए और धीरे धीरे मुनिम को जिम्मेदारी देता गया और सेठ अपना काम कम करता गया। कहाँ से सामान खरीदना है, कहाँ से लाना है, कहाँ किसको उधार देना है, किसको क्या करना है, सेठ जी सब काम मुनिम को सौंपते गए और अपना
काम हल्का करते गए हल्का करते गए, धीरे 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 सेठ ने काम करना बंद कर दिया। अब सोचेगा मेरा मुनीन तो सब संभाल ही रहा है, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो मालिक हूं, मालिक का काम केवल देखरेख करना है, सारी जिम्मेदारी मुनीम को दे दी गई। अब कहाँ लाना है कहाँ करना मुनीम जान, सेठ जी को कुछ मालूम नहीं रह गया, किससे क्या लेना किससे क्या देना है, सब कुछ सौंप दिया। तो कुछ दिन पश्चात मुनीम सेठ बन जाएगा और सेठ मुनीम बन जाएगा, अब उसी पर निर्भर हो गया पूरा का पूरा, उसे बात मालूम ही नहीं है किससे उधार किससे लेना किससे किससे देना है। तो सेठ लाचार हो गया, चार दिन सप्ताह भर मुनीम अब काम में ना आए तो सेठ को परेशानी। बस दशा यही हमारी है, हमारा बनाया नौकर हमारा मन, हम उसी को जिम्मेदारी देते गया, मन हमें हमारे अनुकूल काम करता गया करता गया करता गया और हम चुपचाप बढ़ते चले गए। अब सब कुछ वो संभाल लिया, अब वो बन गया मालिक और हम बन गए नौकर। अब जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा करो, दोष किसका है, मन का या हमारा? इसलिए मन को कोसने की आवश्यकता नहीं है, मन को समझने की और संभालने की आवश्यकता है। तो मन, जैसे कहा कि मन तेज घोड़े के समान है, तेज घोड़े को आपने साधा नहीं सिखाया नहीं अब लगाम लगाया नहीं बैठ गया तो पटक देगा, ऐसी ही मन है। साध लें सिखा लें इस पर संयम का लगाम लगा लें, फिर यही मन आपको मोक्ष की मंजिल तक पहुंचा देगा। बिना मन के न विवेक होगा न वैराग होगा न ज्ञान होगा न साधना बनेगी न भक्ति बनेगी। कोई काम ऐसा नहीं है जीवन का जो बिना मन के आप कर सकें। अब काम क्या लेना है ये निर्णय तो आपको करना है ना, ये विवेक तो आपको करना है, जानने की शक्ति विवेक करने की शक्ति जीव के पास है और हम विवेक करते नहीं जानते नहीं हैं तो मन हमको भटका देता है। तो बात यहां यह थी कि सद्गुरु कबीर साखी में कहते हैं ई मन चंचल, कि यह मन चंचल है। क्यों चंचल है? गलत अभ्यास होने के कारण, मन को गलत दिशा और गलत खुराक देने के कारण यह मन चंचल हो गया है। उसे सही दिशा दें और सही खुराक दें, बस इसकी चंचलता मिटेगी। हर आदमी का मन चाहता है पूर्णता, हर आदमी का मन शांति का सुख का आनंद का भूखा बना है। मन को शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए और उसी के लिए वह चंचल बना है। लेकिन मन को हम देते हैं साधन गलत, सुख के लिए आनंद के लिए, जहाँ सुख और आनंद है नहीं उस साधन में उन विषयों में उन पदार्थों में हम मन को लगाते हैं। और मन को चाहिए पूर्ण आनंद, अधूरा आनंद नहीं, पूर्ण शांत चिरंतन सुख। तो पहले ये सोचें कि चिरंतन सुख शाश्वत आनंद पूर्ण शांत कहाँ है किस में है। चिरंतन सुख स्थायी सुख क्षणभंगुर पदार्थों में नहीं होगा, क्षणभंगुर पदार्थों से क्षणभंगुर विषयों के भोगों से स्थायी आनंद स्थायी सुख कैसे मिलेगा। जो पदार्थ स्वयं क्षणभंगुर है, अभी है अभी कुछ देर बाद नहीं रहने वाला है, जो भोग स्वयं क्षणभंगुर है अभी है नहीं रहने वाला है, उन भोगों से उन प्राणियों से उन पदार्थों से स्थायी सुख चाहना
ये तो बर्फ को भून करके खाने वाली बात है ना। कोई आदमी यह सोचे कि मैं बर्फ को भून करके खाऊंगा और आग में डाल दे और थोड़ा सा देखे कि सर अब भून गया होगा, बर्फ निकालूं क्या होगा, उसकी आशा पूरी होगी? बस हम लोग यही कर रहे हैं, बर्फ को भूनकर खाना चाहते हैं। स्वयं जो क्षणभंगुर पदार्थ हैं इस परिवर्तनशील नाशवान, उनमें स्थायी आनंद मानना, जो प्राणी जो पदार्थ बदलने वाले हैं नष्ट हो जाने वाले उसमें स्थायी आनंद मानना और उनको पकड़ करके स्थायी सुख खोजना, बस यही मन की चंचलता का कारण है, यही मन की व्याकुलता का कारण है। अब ये सोचें कि ऐसा क्या है जो चिरंतन है, शाश्वत है, स्थायी है, वहां मन को लगाएं। वह है आपका अपना होना, स्वरूप चिंतन, आत्मचिंतन, स्वरूप भाव स्थायी है। या एक भी कह सकते हैं न इसमें मन लगेगा शुरू में, तो उन पदार्थों में लगाएं जिनके उपभोग से, उन विषयों में, उन कार्यों में लगाएं जिनके करने से तृष्णा न बढ़े, वासना की वृद्धि न हो और परिणाम में दुख न मिले। दुनिया का कोई भी भोग ऐसा नहीं है जिसके परिणाम में तृष्णा की वृद्धि न होता, तृष्णा की वृद्धि न होती हो, वासना बलवती न होती हो। लेकिन भजन, भक्ति, सेवा, स्वाध्याय, संयम, साधना, विवेक, विचार, इन कामों में मन को लगाएं, तृष्णा नहीं बनेगी, वासना बलवती ना होगी, किंतु तृष्णा का शमन होगा, वासना का निरसन होगा और तब आपको इसमें स्थायी सुख मिल पाएगा। तो मन चंचल है, हमने गलत खुराक दी, गलत दिशा दी, गलत काम दिया इसलिए, लेकिन मन तो चंचल है ही। अब इसकी चंचलता को दूर करना है तो क्या करना होगा? गीता में भी ये बात आती है, अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया है, महाराज कृष्ण ने कहा अर्जुन मन को बस में करो, मन को बस में किए बिना शांति ना मिलेगी, कल्याण का काम नहीं होगा। शांति सुख चाहते हो तो मन को बस में करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तब अर्जुन ने कहा महाराज आप कहते हो कि मन को बस में करो, तो मन को बस में करना तो अत्यंत कठिन है। मन को बस में करना उस वैसे ही कठिन है जैसे हवा को मुट्ठी में बांध करके रखना। क्या हवा को मुट्ठी में बांध करके पकड़ करके रखा जा सकता है? असंभव। अर्जुन कहते हैं महाराज मन को बस में करना तो हवा को मुट्ठी में बांध कर रखने के समान कठिन है। आप कहते हैं मन को बस में करें तो मन को बस में कैसे करें? तब महाराज कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारी बात सच, असंसयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौंते वैराग्यं च गृह्यते। हे अर्जुन निश्चित ही मन को निग्रहित करना, संयमित करना, मन को बस में रखना, पकड़ करके रखना बहुत कठिन है। लेकिन अर्जुन निरंतर का अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा
इस मन को पकड़ करके बस में रखा जा सकता है। दो ही साधन है, अभ्यास और बैराग। योग दर्शन में भी जब चित्त निग्रह की बात आती है तो वहां भी ये कहा गया है अभ्यास और वैराग्य। जितने भी विवेकवान पुरुष हुए, जितने भी साधक हुए हैं दुनिया में किसी कोने में, सबका अपना एक ही अनुभव है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इस मन की चंचलता को दूर किया जा सकता है, इसे बस में रखा जा सकता है। अभ्यास क्या है? किसी साधना को बार बार दोहराना, किसी साधना की बार बार पुनरावृत्ति करना अभ्यास है। पुनरावृत्ति अभ्यास, दोहराना अभ्यास। और वैराग्य मन की जो गलत प्रवृत्ति है उसे रोक देना। वैराग्य का अर्थ कपड़ा और आश्रम बदलना नहीं है। किसी कपड़ा में वैराग्य नहीं है, किसी मठ और आश्रम में वैराग्य नहीं है। हाँ, कपड़ा सहायक है, आश्रम सहायक है, लेकिन वैराग्य है मन की गलत प्रवृत्तियों का त्याग। वैराग्य है राग का त्याग। योग दर्शन के भाष्य में ये कहा गया है ये चित्त है एक नदी के समान है, इससे काम लेना है तो वैराग अभ्यास और वैराग्य। तो इसके लिए उदाहरण दिया गया है, जैसे नदी की धारा बह रही है और उसका पानी ऐसे ही बह करके समुद्र में चला जाता है निरर्थक, हमें उससे काम लेना है तो करना क्या होगा? नदी की धारा को रोकने के लिए एक बांध बनाना होगा। बांध बना करके नदी की धारा को रोक लें, पानी इकट्ठा होता चला जाएगा। लेकिन आपने बांध तो बना लिया, धारा को रोक लिया, क्या इतने मात्र से आप उस धारा के जो पानी से काम ले लेंगे? पानी रुकता जाएगा, रुकता जाएगा, रुकता जाएगा, कहीं अपना एक रास्ता फिर खोज करके फिर बह जाएगा, या रास्ता नहीं मिलेगा तो इतनी शक्ति इकट्ठी हो जाएगी कि पानी ताकत लगा करके बांध को तोड़ देगा और विनाश का कारण बन जाएगा। बांध बनाने के साथ साथ बगल में एक नहर निकालना होगा और तब वो जो पानी आप रोक रखे हैं बांध बना करके, नहर द्वारा सिंचाई या अन्य आदि से काम ले सकते हैं। बस वैराग्य बांध बांधना है और अभ्यास नहर निकालना है। गलत प्रवृत्ति जो मन की है उसे रोक दें और इस सत्प्रवृत्ति में मन को लगा दें। विषय चिंतन जो मन कर रहा है, रागात्मक चिंतन मन कर रहा है, उसे रोक दीजिए। लेकिन उतने आप रोक तो दें और सचिंतन ना करें, सेवा भक्ति संयम साधना का काम ना करें तो मन फिर तोड़ करके आपको आपके जो वैराग्य मानो को तोड़ करके बाहर भाग जाएगा। इसलिए अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य कर मैंने कहा जितनी गलत प्रवृत्तियां हैं मन की उनका त्याग, सहज रूप में कहें तब। और फिर अभ्यास किसी जो सद प्रवृत्तियां हैं बार बार उनकी पुनरावृत्ति। कभी स्वाध्याय करें, किसी ग्रंथ का पठन चिंतन करें, कभी सेवा करें, कभी साधना करें, जब जैसा अवसर हो।
एक ही अवसर साधन लेने नहीं होगा, सब समय आप ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते, सब समय सेवा नहीं कर सकते, सब समय साधना में नहीं बैठे रह सकते, सब समय सत्संग नहीं कर सकते, समय समय से एक एक अवलंब लेना पड़ता है जैसा भी हो। तो वैराग और अभ्यास इन दोनों के द्वारा इस मन की चंचलता को दूर किया जा सकता है, और कोई साधन नहीं है। तो मूल बात साखी में यहां यह है कि ई मन चंचल, यह मन चंचल है, इस चंचलता को हमें रोकना है। साहब ये भी कहते हैं मन खाली चंचल नहीं है, ई मन चोर, यह मन चोर भी है। चोर का काम क्या है? किसी की संचित संपत्ति को जो उसने बड़ी मेहनत से इकट्ठी करके रखी है, उसके घर में चुपके से जाकर के चुरा करके ले आना, और घर वाले के जागते जागते, घर वाले के रहते रहते चोर चोरी नहीं कर सकता। चोर चोरी कब करता है? जब घर वाले या तो घर छोड़कर ताला लगा कर कहीं चले गए हों, या फिर गहरी नींद में सो गए हों, तब चोर चोरी करता है। घर वाले जाग भी रहे हों, सब बातचीत कर रहे हों, तब चोर चोरी नहीं कर सकता, चुपके से चोरी करता है वह। ठीक ऐसे ही हमारा मन है। हम कहते हैं कि हमें लगता है कि हम तो ध्यान में बैठे हैं, मन भी कहता ठीक है मैं भी ध्यान करूंगा। आप ध्यान में बैठे, अब बस चुपके से चोर भाग गया मन, फिर आपको भटका देगा। कब भागता है यह मन, कुछ कहा जा सकता है? पता नहीं चलता है। लेकिन कब? जब हम असावधान होते हैं तब। और ये मन हमारे अंदर के ज्ञान धन को, शांति धन को, प्रसन्नता धन को चुरा करके ले जाता है। इसमें हम असावधान हो गए, जागते नहीं हैं। जो निरंतर जागता रहेगा उसका मन उसके ज्ञान धन को, शांति धन को चुरा नहीं सकता है। इसलिए निरंतर जागरूक रहें। जहां असावधानी हुई वहां मन चोर बन जाएगा, आपसे मिलेगा और आपसे मिल करके आपके ज्ञान धन की चोरी करेगा। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। जो जाग जाता है उसे घर से चोर भाग जाता है, और जो सो गया वो तो अपना धन को खो बैठता है। तो साहब कहते हैं ये मन चंचल ही नहीं है, चोर भी है। चुपके से जीव के साथ मिलकर इसके ज्ञान धन की चोरी कर लेता है। ई मन शुद्ध ठगहार, और साहब कहते हैं कि ये मन पूरा का पूरा ठग बन गया है। ठग पीतल पर सोने का पानी चढ़ा करके और मीठी मीठी बात करके उस पीतल को सोने के भाव बेच देता है। आदमी लोभ में पड़ जाता है, अरे बहुत सस्ते में सोना मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं। खरीद लिया, बाद में कसौटी करवाया तो पता चला ये तो पीतल है, पश्चाताप करता है। हमारा मन भी ऐसा है। हम कहते हैं भाई मैं तो धर्म का काम करूंगा, मन कहता है बहुत बढ़िया, मैं भी तो आप यही चाहता हूं कि आप धर्म का काम करें। और कब धर्म का काम करवाते करवाते मन अधर्म में ले जाएगा, धर्म का लोभ दिखा करके
अधर्म में फंसा देता है। हम कहते हम साधना करेंगे, मन कहता ठीक है मैं भी साधना करूंगा, हम तो मिल जाता है, मीठी मीठी बात करता है, और साधना करते 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 वासना में ले जाकर के उलझा देता है। ये ठगने में बहुत माहिर है मन, मिल करके ठगता है, अब पता नहीं चलता है हमें। तो मन केवल चंचल ही नहीं है, चोर भी है और ठग भी है। मन मन करते सुरनर मुनि जहड़े, सदगुरु कहते हैं मन को पकड़ो, मन को बस में करो, ऐसा कहते कहते सूर नर मुनि सब जहड़ा गए, सब मन के ही बस में पड़ करके सब पतित हो गए। सूर देवता, देवताओं को देखो, सारे देवता मन के चक्कर में पड़ करके नाच रहे हैं। एक भी देवता आप नहीं बता सकते हिंदू पुराण के अनुसार जिसका चरित्र उज्जवल हो। पुराणों को पढ़ डालिए आप, एक भी देवता आप नहीं बता सकते कि साहब अमुक का चरित्र उज्जवल है। अधिकतम हिंदुओं का अधिकतम देवता चरित्रहीन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, पुराण कहते हैं, पुराणों में लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में ये बात आती है, देवलोक स्थिति रियम सुरानाम सास्वती मता, पतिरव साम नास्त नचक स्त्री परिग्रह। देवलोक स्थिति रियम सुरानाम सास्वती मता पतिरव साम नास्ति नचक स्त्री परिग्रह। देवलोक की यह स्थिति है और देवताओं का ये शाश्वत मत है कि किसी अप्सरा का कोई एक पति नहीं होता और कोई देवता एक स्त्री से जुड़ करके रहता नहीं है, सब छुट्टे। अब समझ सकते हो कि दशा क्या होगी। तो साहब कहते हैं ये देवता भी मन के चक्कर में पड़ गए, जहड़ा गए। मनुष्य तो सामने ही है दुनिया में, हम तो मनुष्य ही तो हैं, मन हमें कैसा नचा रहा है सबका अनुभव है। और मुनि मननशील लोग, अनेक तपस्या करने वाले लोग भी तपस्या करते करते कैसे भटक गए, क्रोध काम में, क्रोध में, लोभ में आकर के। तो बाहरी तपस्या, बाहरी ज्ञान, हमारी विद्वता, हमारी वाक कला, हमारा चातुर्य हमें मन से नहीं बचा सकता कोई। इसके लिए निरंतर जागरूकता चाहिए। मन के लक्ष्य द्वार, साहब कहते हैं मन को भागने के लाखों दरवाजे हैं, एक दरवाजा नहीं है मन का। कि कोई अगर ऐसा मकान हो उसमें चोर घुस जाए और घर वाले जाग जाए, पता चल जाए कहा भाई चोर घुस गया पकड़ो, तो एक दरवाजा हो, आप दरवाजा बंद कर रहे तो चोर तो पकड़ने में आ जाएगा। आपके घर में 50 दरवाजे हैं और हर दरवाजा खुला हुआ है, किसको बंद करो, जब तक दरवाजा बंद करो 10 तब तक चोर कहीं ना कहीं भाग जाएगा वह। साहब कहते हैं ऐसे मन के लाखों दरवाजे हैं, धर्म के रास्ते से भागता है, धर्म के रास्ते से भागता है, संयम के रास्ते से भागता है, असंयम के रास्ते से भागता है, कोई एक रास्ता नहीं है मन को भागने, तमाम रास्ते इसके मन को हैं। और ये भी कह दें मन के लक्ष्य द्वार, मन को भागने का रास्ता क्या है, खाली लक्ष्य, स्मरण, याद। आप अपने स्मरणों पर संयम कर लें, बस मन का भागना बंद हो जाए। जैसे कोई एक बड़ा मकान हो और मकान में एक ही दरवाजा है, चोर डाकू आ गए लूटने के लिए, घर का मालिक जान गया और सोचता है कि ये चोर डाकू बहुत हैं, मैं अकेला जाऊं लड़ने के लिए तो ये सब मुझे पकड़ कर मार डालेंगे, मेरे सामान को लूट लेंगे। तो करता क्या हुआ, मकान के अंदर दरवाजे के पास बैठ जाता है, दरवाजे के आड़ में, और तेज तलवार अपने हाथ में रख लेता है।
जो डाकू या जो चोर दरवाजे से सिर घुसाता है, तलवार उठाकर घर का मालिक उसके सिर को काट देता है। जो जो सिर घुसाते गए दरवाजे पर, वो मालिक तलवार से सिर काटता गया, सारे चोर मर गए, अब वो उसका धन लूटने से बच गया। ऐसे ही मन को भागने का मात्र एक दरवाजा, केवल याद, केवल स्मरण। आप अपनी स्मरण को संभाल लें, हम अपने स्मरण को संभाल लें, कोई गलत याद मुझे नहीं करना है, कोई गलत चिंतन मुझे नहीं करना है, मन का भागना बंद हो गया, मन की चंचलता बंद हो गई, रुक गई। जिस आदमी ने अपने ख्यालातों को, अपने विचारों को, अपने स्मरणों को संभाल लिया, उस आदमी के जीवन में कोई गलत काम नहीं हो सकता है, उसका मन उसे कभी परेशान नहीं कर सकता है। और जिसके विचारों पर संयम नहीं है, चिंतन पर संयम नहीं है, उसके जीवन में कहीं संयम नहीं होगा, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, नियम सबके लिए एक बराबर है। इसलिए निरंतर अपने चिंतन पर निगरानी, अपनी स्मरणों पर निगरानी, सदैव सही बात सोचो, कोई गलत बात मन में ना आने पाए। मार्कस आरेलियस आज से लगभग 1800 साल पहले रोम के सम्राट हुए हैं, थे तो सम्राट रोम के, लेकिन साधक, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है राजा जनक, राजा होते हुए भी ज्ञानी साधक, लेकिन जनक तो प्रागितिहास काल की बात है, मार्कस आरेलियस इतिहास की बात है, इतिहास काल की बात है। तो राजा होते हुए भी मानो साधक, उन्होंने स्वयं को संबोधित करके डायरी लिखी थी, किसी और बताने के लिए नहीं, अपने को संबोधित कर करके उन्होंने डायरी लिखी थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी डायरी मिली, लोगों ने पढ़ा, कहा यह तो बहुत काम की बात है। और आप उनकी डायरी पढ़ेंगे, हिंदी में उनकी डायरी आत्मचिंतन के नाम से छपी है, ऐसा लगता है कि किसी राजा का लिखा हुआ नहीं है, किसी पहुंचे हुए महात्मा का लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि हर आदमी को हर समय इस प्रकार से सोचना चाहिए कि कभी भी कहीं भी कोई आपसे पूछ दे कि इस समय क्या सोचते हो, ईमानदारी पूर्वक ज्यों का त्यों बता सको। ये कितनी बड़ी बात है, क्या हम लोग इस स्थिति में हैं? मैं तो नहीं हूं इस स्थिति में, मैं कह सकता हूं, और कोई ऐसा है तो उस आदमी को मैं प्रणाम करता हूं, वो तो धन्य है, पूजनीय हमारे लिए। कि कभी भी कोई भी पूछ दे कि क्या सोच रहे हो, जो कहते ईमानदारी पूर्वक बता सके, ये जीवन की महा ऊंचाई है। ये कब होगा? जब हम अपने स्मरण पर बराबर चिंतन निगरानी रखेंगे, तब। बहुत साधना की बात है ये, बहुत त्याग बराग साधना करते करते दशा आएगी कि कभी भी हम अपने मन में जो सोचे ईमानदारी पूर्वक बता सकें। इसलिए अपने चिंतन, अपनी स्मरण, अपनी याद पर संयम कर लें, बस मन शांत, चंचलता समाप्त, ये जीवन की ऊंचाई। और यहां आकर के फिर कोई दुख नहीं रहेगा, जीवन कृतार्थ मुक्ति की अवस्था जीते जी, यही हमको करना है। 7 मिनट बाकी है, और केवल 7 मिनट आप सब ध्यान में बैठ जाएं, बस बत्ती बंद कर दें।